हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरुण व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ अंतिम प्रहार की सीरीज में जुड़े हुए भी हैं। तो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं, 12th तक आना है। देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन कौन सा है। ये है काफ़ी अलग सा हटके थोड़ा सा क्वेश्चन है, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। देखिए यह दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, इसमें एक भी आ सकता है और दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो केवल सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपसे पूछ लेगा या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पूछ लेगा या दोनों साथ में पूछ लेंगे, तो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के मूड के ऊपर, उसकी प्रायोरिटी के ऊपर कि वो क्या पूछता है। बेसिक इसके अंदर क्या पूछेगा, बेसिक इसका मतलब मीनिंग पूछेगा और इसकी इंपॉर्टेंस पूछेगा। बस ये दो ही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं कि इफेक्टिव यूज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इफेक्टिव यूज ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस टेकन बाय द बिजनेस एंटिटी, इस तरीके के कोई क्वेश्चन बन जाते हैं। मीनिंग पूछ लेगा, उसका मीनिंग क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेगा। तो एक एक पे जल्दी से बात कर लेते हैं। सब पहले बात करते हैं लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेलर और अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है, ये बात आपको पता है। अब ये किस मोड से रिटेलर होलसेलर तक पहुंच रहा है कस्टमर से, मतलब बाय ट्रेन आ रहा है, बाय रोड आ रहा है, बाय एयर आ रहा है, बाय शिप आ रहा है, ठीक है, किस तरीके से आ रहा है ये प्रोडक्ट, ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का पार्ट होता है। ये बात क्लियर हो गई। सप्लाई चेन के अंदर हम नंबर ऑफ, याद रखना, नंबर ऑफ होलसेलर एंड नंबर ऑफ रिटेलर या नंबर ऑफ एजेंट फिक्स करते हैं, ठीक है। ये बात फिक्स हो गई आपको, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। देखो लॉजिस्टिक के अंदर केवल ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है ना। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे, किस मीडियम से आना चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ वर्कर इसमें इंप्लॉयड होने चाहिए, इस तरीके का। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे अपन कितने होलसेलर हैं, कितने रिटेलर हैं, किस होलसेलर के पास कितने प्रोडक्ट जाएंगे, क्या स्टॉक्स रखेगा, वो सारी बातें आती है। तो जब मैं लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूँ, यानी ट्रांसपोर्टेशन आएगा उसके अंदर, सबसे पहले कौन कौन से बात आएगी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। वेयर हाउस यानी कि गोदाम, गोदाम कितना होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए और इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए। पैकेजिंग एंड मटेरियल, किस मटेरियल के अकॉर्डिंग कितनी हमको पैकेजिंग रखनी है, किस तरीके की पैकेजिंग रखनी है और ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे करेंगे, ये चारों चीज़ें अपन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में देखेंगे। ऑर्डर फुलफिलमेंट मतलब किसी ने आज ऑर्डर प्लेस करा तो 20 डेज में प्रोडक्ट पहुँचाएंगे, 5 डेज में पहुँचाएंगे, 3 डेज में या ऑन डे सेम डे डिलीवरी करेंगे, यही सारे के सारी चीज़ें होती हैं। इन्वेंट्री कितना रखना है, ठीक है, वेयर हाउस कहाँ कितना बड़ा होगा, ट्रांसपोर्टेशन किस मोड मीडियम से होगा, पैकेजिंग कैसी होगी और ऑर्डर का फुलफिलमेंट कैसे करेंगे। जबकि हम जब सप्लाई चेन में जाते हैं तो सप्लाई चेन में अपन क्या क्या चेक करेंगे, सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्यों, किससे रिलेशनशिप बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, रिटेलर एंड होलसेलर से, क्योंकि यही तो आपके ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं। किराने वाला ही तो बता रहा है, भैया ये नया जलजीरे का पाउच आया, ये नई कंपनी का आया, ट्राई करो, ठीक है। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग, सर रिटेलर और होलसेलर बताते हैं एक्चुअल में मार्केट की डिमांड कितनी चल रही है, लाइव ट्रैकिंग ही वो कर पाते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से बियॉन्ड है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब उतना ही प्रोड्यूस करा जाए जितने की रिक्वायरमेंट हो, मैं फिर कह रहा हूँ उतना ही प्रोड्यूस करा जाए जितने की रिक्वायरमेंट हो। यानी कि अगर घर में 5 जने हैं और 10 रोटी की भूख है, दो दो रोटी ईच को चाहिए, तो 10 ही बनाई जाए ना, 12 ना 13, हमेशा हमारे तो 15-16 बनती है, एक दो तो 4-5 जने ज़्यादा खा जाए इतना खाना बनाया जाता है, खैर गाय वाय सबके लिए बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन में आ गए। अब इसमें EOQ की टेक्निक हो गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब सप्लाई चेन में। अब देखना यहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे और ऑर्डर मैनेजमेंट लॉजिस्टिक में, ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर अलग अलग क्वेश्चन है, अगर सेम आए, अगर ऊपर नीचे हो गए तो इतना एग्जामिनर चिंता नहीं करता, ठीक है। विजिबिलिटी एंड कोलाब्रेशन, विजिबिलिटी यानी कि हर जगह मिलना चाहिए। आज मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादा क्यों बिकती हैं, क्योंकि उनके सर्विस सेंटर हर जगह उनके एजेंट अवेलेबल है, हर जगह उनके शोरूम है, तो ये सप्लाई चेन की विजिबिलिटी भी टारगेट करती है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट भी सप्लाई चेन बताती है। कैसे बताती है, क्योंकि ये बता रही होती है कि आपकी भैया डिमांड कम हो रही है, मार्केट में क्रेडिट कम हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में हेल्प करती हैं, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। ये चारों पांचों चीज़ें मिलके क्या बनती हैं,
ठीक है, और इफेक्टिव लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा तो इसकी एक नट शेल में दे रखी है, होलिस्टिक अप्रोच होगा और कंपनी को फायदा होगा, यही सारी चीज़ें। फिर से नट शेल में बता देता हूँ, देखो लॉजिस्टिक के अंदर तो आपको समझ में आ गया, ट्रांसपोर्टेशन है सर, मीडियम है सर, उसकी क्रॉस्ट है, वेयर हाउस है। सप्लाई चेन के अंदर अपन को मैनेज करना है रिटेलर को, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, नंबर ऑफ़ कह सकते हो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन करना है, डिमांड की फोरकास्टिंग करनी है और सप्लाई चेन की विजिबिलिटी भी करनी है। विजिबिलिटी मतलब दिखे, जैसे JSW पेंट्स एक नई कंपनी है, ठीक है, JSW के तो वैसे स्टील में काफ़ी रिनॉट कंपनी है, लेकिन पेंट्स के अंदर उनका नया सेगमेंट है, हर जगह उनके नए 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 आउटलेट खुल रहे हैं। आपके यहाँ भी कोई खुला होगा JSW पेंट्स का, है ना, जिसका वो कहते हैं आलिया भट्ट शायद एड कर रही है और कह रही है कि अलग अलग कलर लेने पे अलग अलग प्राइस क्यों है, तो वो सप्लाई चेन विजिबिलिटी, उनकी सेल ग्रोइंग नहीं है लेकिन सप्लाई चेन वो इनलार्ज कर रहे हैं इन द फ्यूचर प्लानिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये 6-7 पॉइंट है और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपनी सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।